चिडावा में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुंदरलाल से मिली नेता प्रतिपक्ष राठौड़ की पत्नी चांद कंवर, जाना स्वास्थ्य, चुनरी ओढ़ाकर हुआ स्वागत। भाजपा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिवस पर चलाए जा रहे मानव सेवा सप्ताह के तहत लगे रक्तदान शिविर में राठौड़ की पत्नी चांद कंवर पहुंची। पहले वे सूरजगढ़ बाईपास पर स्थित पूर्व कैबिनेट मंत्री काका सुंदरलाल के निवास पर पहुंचकर काका सुंदरलाल से मुलाकात की तथा उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। इस दौरान चांद कंवर का चुनरी ओढ़ाकर स्वागत किया गया। इसके बाद वे आयोजित कैंप स्थल डीएसएम हॉस्पिटल पहुंची, जहां उन्होंने रक्तदान करने वाले युवाओं का उत्साह बढ़ाया। पूर्व प्रधान एवं भाजपा नेता कैलाश मेघवाल की अगुवाई में सेवा सप्ताह के तहत ये चौथा रक्तदान शिविर है। आपको बता दें, भाजपा नेता प्रतिपक्ष के जन्मदिवस पर पिलानी बाईपास स्थित डीएसएम हॉस्पिटल में मानव सेवा सप्ताह के तहत लगे रक्तदान शिविर में भाजपा नेता कैलाश मेघवाल का युवाओं में क्रेज दिखाई दिया। युवाओं ने पूर्व प्रधान के साथ सेल्फी एवं फ्लैश लाइट जलाकर अपना उत्साह दिखाया। भाजपा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के प्रति भी युवाओं में जितना उत्साह था, वहीं क्षेत्रीय नेता मेघवाल को लेकर भी उतना ही उत्साह नजर आया। पूर्व सरपंच निधिराज सिंह शेखावत ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिवस पर युवाओं में काफी उत्साह है और पूर्व प्रधान को लेकर भी युवाओं में क्रेज नजर आया। आज मानव सेवा सप्ताह के रूप में हमारे लोकप्रिय नेता राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिवस के ऊपर और हमारे यहाँ के महबूब नेता कैलाश मेघवाल के नेतृत्व में आज युवाओं में बहुत बड़ा क्रेज देखने को मिला। यहाँ सैकड़ों की तादाद के अंदर और रक्तदान करने युवा पहुँचे, जिनकी चेष्टा और मनोइच्छा इतनी प्रबल थी जो राठौड़ साहब के प्रति और हमारे महबूब नेता कैलाश मेघवाल के प्रति देखने लायक। और राठौड़ साहब की धर्मपत्नी यहाँ पधारी, उन्होंने जब ये देखा तो मेरे को एक्साइटमेंट लेकर उन्होंने कहा कि आपकी लोकप्रियता शराब हो। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं, ये हुआ चरितार्थ। खून के अभाव में चली जाती जान, लेकिन पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल ने डीएसएम हॉस्पिटल में रक्तदान कर बचाई महिला की जान। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है, ये आज चरितार्थ होते हुए भी नजर आया है। अक्सर खून के अभाव में जान चली जाती है, ऐसा कई बार आपने सुना होगा, लेकिन रक्तदान शिविर कितना अहम होता है, इसका एक ताज़ा उदाहरण आज पिलानी बाईपास स्थित डीएसएम हॉस्पिटल में देखने को मिला। नरहड़ गांव की एक महिला मरीज, जिसको खून की कमी थी, केवल 4 यूनिट ही खून था। इमरजेंसी में खून इकट्ठा करना वैसे तो मुश्किल होता, लेकिन यहां पर भाजपा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिवस पर मनाए जा रहे मानव सेवा सप्ताह के तहत रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इसी दौरान डॉक्टरों ने पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल से इसके बारे में जानकारी दी, तो पूर्व प्रधान ने खुद रक्तदान कर महिला की जान बचाई। जैसे ही रक्तदान किया, वैसे ही इमरजेंसी में वो रक्त काम में आ गया और महिला की जान को बचा लिया गया। ऐसे में कहा जा सकता है कि रक्तदान से बड़ा सच में कोई महादान नहीं है। परिवार ने भाजपा नेता एवं पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल को भी धन्यवाद ज्ञापित किया। डीएसएम के संचालक डॉक्टर देवेंद्र चाहर ने बताया कि रक्तदान कितना बड़ा दान है, आज ये साबित हो गया है। मानव सेवा सप्ताह के रूप में नेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र राठौड़ साहब के जन्मदिवस पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया है। ये पिलानी विधानसभा का चौथा रक्तदान शिविर है। पहले मंडेड़ा, फिर छापड़ा, फिर पिलानी और आज ये चौथा कैंप चिडावा डीएसएम हॉस्पिटल में आयोजित किया गया। रक्तदान शिविर में महिलाओं की उपस्थिति भी रही है इसमें। इस बार बहुत खुशी की बात है कि बढ़ चढ़कर महिला शक्ति ने यहाँ रक्तदान शिविर में एक दूसरे का प्रोत्साहन भी किया और काफ़ी संख्या में महिलाओं ने रक्तदान किया। देखिए, जिस तरह से हमेशा से एक रक्त ही ऐसी चीज है जो किसी का जीवन बचा सकती है, तो आज यहाँ शिविर आयोजित था और इसी शिविर के मध्य एक जान बची, तो हम सब के लिए एक सौभाग्य की बात है और एक प्रेरणा की बात है कि हम सब जाकर इसका प्रचार प्रसार बढ़ाएं। सब युवा साथियों ने बढ़ चढ़ कर ये काम किया है, सभी को बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद। पिलानी में पेयजल संकट गहराया, कस्बे के 3 वार्डों के लोगों ने जलदाय विभाग में प्रदर्शन कर दिया धरना। आरएलपी युवा नेता राजकुमार नायक के नेतृत्व में पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग पर प्रदर्शन किया गया। वार्ड नंबर 19, 20 व लक्ष्मी कॉलोनी वार्ड नंबर 26 के बासिंदों ने पानी की सप्लाई को लेकर जलदाय विभाग में नारे लगाए और जलदाय विभाग में बैठकर धरना प्रदर्शन किया। जलदाय विभाग के AN रजत शर्मा ने पीड़ित वार्डवासियों की समस्याओं को सुना
तथा समस्या का समाधान हेतु तुरंत कर्मचारियों को निर्देश दिया। वार्ड नंबर 19 की समस्या को लेकर वार्डवासियों में काफी रोष नजर आया। जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। वार्ड नंबर 19 व 20 की मुख्य समस्या का कारण दो ट्यूबवेल का पानी एक ही तरफ जा रहा है। नई ट्यूबवेल का पानी स्पेशल लोगों के लिए अलग से पाइपलाइन डालकर व्यवस्था कर रखी है, जबकि सरकार के उपकरणों पर सभी का बराबर अधिकार होता है। वार्डवासियों ने एईएन के सामने समस्या समाधान हेतु निवेदन किया। एईएन के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। चिड़ावा बाईपास पर एटीएम लूट प्रयास मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को हरियाणा से किया गिरफ्तार। झुंझुनू जिले की सूरजगढ़ पुलिस को थाना इलाके में करीब 10 दिन पूर्व हुई एक बैंक एटीएम लूट के प्रयास के मामले में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एटीएम लूट के प्रयास की वारदात का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस द्वारा हरियाणा के हिसार निवासी मोनू उर्फ मोहन को गिरफ्तार करने के साथ उसे सहयोग देने के आरोप में हिसार के ही तनिष ललित को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, सूरजगढ़ थाना इलाके में चिड़ावा बाईपास के पास SBI बैंक के ATM को कुछ बदमाशों द्वारा गैस कटर से काटकर लूट ले जाने की वारदात का प्रयास किया गया था। घटना के दौरान ATM में 35,74,000 रुपये की राशि मौजूद थी। जिले में हुई ATM लूट के प्रयास की बड़ी वारदात को लेकर SP मृदुल कछावा काफ़ी गंभीर नजर आए। मामले के त्वरित खुलासे के लिए SP के निर्देश पर एडिशनल SP डॉक्टर तेजपाल सिंह, DYSP सुरेश शर्मा के निकट सुपरविजन में सूरजगढ़ थानाधिकारी रविंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम गठित की गई। टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्यों तथा मुखबिर खास की इतला पर प्रकरण आजा की घटना का खुलासा करते हुए दो मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है, जिनको PC रिमांड पर प्राप्त कर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। घटना में और भी मुलजिम शामिल है, जिनके बारे में अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। आरोपी कौन कौन है, क्या नाम है? आरोपी एक तो मोहन उर्फ मोनू है तथा एक तनिष ललित है, जो कि दोनों ही हिसार हरियाणा के रहने वाले हैं। जिले के पिलानी कस्बे में पॉलिसी लैप्स होने के नाम पर 45 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में एक आरोपी को दिल्ली से किया गया गिरफ्तार। झुंझुनू जिले की पिलानी पुलिस द्वारा कस्बा पिलानी में परिवादी से पॉलिसी लैप्स होने के नाम पर 45 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। थानाधिकारी रणजीत सेवदा ने जानकारी देते हुए बताया कि 8 दिन से लगातार UP, गाजियाबाद, दिल्ली, गुरुग्राम में आरोपी की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान आरोपी रविंद्र कुमार पुत्र जवाहरलाल, उम्र 30 वर्ष, निवासी WZA बुडेला गांव विकासपुरी, पुलिस थाना विकासपुरी, वेस्ट दिल्ली को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। परिवादी अशोक मेघवाल निवासी पिलानी ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि विभिन्न मोबाइल नंबरों से कॉल करके पॉलिसी लैप्स होने के नाम पर उससे 45 लाख रुपए की ठगी हुई है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम में सुरेश राजकुमार सहित अन्य शामिल रहे। हजरत हाजीब सक्करवार बाबा नरहट दरगाह में सेवा फाउंडेशन इफ्तार पार्टी प्रोग्राम का हुआ आयोजन। हिंदुस्तान में अमन चैन व भाईचारे की दुआ में उठे हाथ। हजरत हाजीब सक्करवार बाबा नरहट दरगाह सेवा फाउंडेशन की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ। इसमें सुरेश कुमार, शेखावाटी के प्रसिद्ध जनसेवक डॉक्टर मधुसूदन मालानी, कांस्टेबल पारस, वरिष्ठ खादिम हाजी अजीज पठान ने दस्तारबंदी कर इस्तकबाल किया। सभी अतिथियों ने आस्ताने में जियारत व इख्तियार में वक्त परवर दिगार से हिंदुस्तान में अमन चैन व भाईचारे की दुआ मांगी। दरगाह सेवा फाउंडेशन के निर्देशक साहिद पठान ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रमजान के पवित्र पूरे महीने में इफ्तार का आयोजन दरगाह सेवा फाउंडेशन की तरफ से किया जा रहा है। रमजान का महीना रहमत व बरकत वाला और नेकी व खिदमत करने वाला महीना है। रमजान का महीना इंसानियत की खिदमत का महीना है, ये अमन और भाईचारे का पैगाम देता है। आज विश्व रमजान पर नरहट दरगाह में इफ्तार की बड़ी पार्टी रखी गई है, जिसमें सभी को आमंत्रित किया गया है। रमजान का महीना बहुत पाक महीना है, उसमें एक नेकी के बदले 70 नेकी को फायदा मिलता है। नरहट दरगाह सेवा फाउंडेशन की तरफ से रमजान के पूरे महीने में इफ्तारी का मुकम्मल इंतजाम किया गया है दरगाह के अंदर। और रमजान के महीने में बच्चों को, जो जरूरतमंद बच्चे हैं, उनको ईद से पहले कपड़ों की व्यवस्था कराई जाएगी। फल सब्जी व्यापारी ने की आत्महत्या, शहर में शोक की माहौल, मिलनसार थे व्यापारी। फल सब्जी व्यापारी ने आत्महत्या कर ली है, जिससे शहर में शोक की लहर दौड़ गई। व्यापारी काफ़ी मिलनसार थे,
जानकारी के अनुसार सुरेश सैनी पुत्र मूलचंद सैनी उम्र 41 साल जो कि फल सब्जी विक्रेता थे, मुख्य बाजार में उनकी दुकान है। चार भाइयों में सबसे छोटा सुरेश सैनी था। सुरेश सैनी के दो बच्चे हैं, एक बड़ा बेटा जो 12वीं कक्षा में अध्ययनरत है। सुरेश शर्मा ने सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक सुरेश सैनी पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहा था, जिसका इलाज भी चल रहा था। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। आपको बता दें कि चिड़ावा के सरकारी अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है तथा परिजनों को शव सौंपा गया है। इस सूचना के बाद शहर में शोक की लहर जरूर दौड़ गई।